हम लोगों ने तो पहले से ही प्रत्याशी जो है घोषणा हम लोग कर ही दी है हर जगह, जिसमें कि हमारे लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है सहमति थी, और इसमें नहीं कांग्रेस के साथ तो हम लोगों का हमने केंद्र में उनको सपोर्ट दे ही रखा है। बिहार में अभी ऐसा कोई चुनाव नहीं है और ऐसी कोई पेशकश वैसे भी नहीं हुई। आप तो जान ही नहीं है कि जब बाई इलेक्शन बिहार का था तब हम लोग चाह रहे थे कि MLC वाला और बाई इलेक्शन वाला जो है बात तय हो जाए, लेकिन अब उधर से क्या आया नहीं आया इस पे तो हम कुछ कहना नहीं चाहते ना। बातचीत है, हम लोग अपना बात किए हैं। हम लोग भी पार्टी जो चाहते हैं कि हम लोग भले पुले, अरे हम लोग तो बिहार गिन के चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ भी नहीं लड़े। यूपी विधानसभा चुनाव पर भले ही देश की नज़र टिकी हुई है, लेकिन बिहार में भी विधान परिषद के चुनाव होने हैं। विधान परिषद का यह चुनाव 24 सीटों पर होना है और कहा जाता है कि इस चुनाव में धन बल काम करता है। जिसके पास जितना पैसा है उसके जीतने की शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। आज बात महागठबंधन में चल रहे इन 24 सीटों के बंटवारों को लेकर, जहां पर माथापच्ची की स्थिति होती दिखाई पड़ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी ओर से यह स्पष्ट कर दिया है कि बीच में किसी और को पड़ने नहीं देंगे। मतलब राजद अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो चुनाव भी 2400 सीटों पर राजद ही लड़ लेगी। लेकिन कांग्रेस की इच्छा थी कि वह राजद के साथ एक बार फिर से तालमेल करे, लेकिन कांग्रेस यह मौका अब खो चुकी है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस का वजूद राष्ट्रीय जनता दल की वजह से ही है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को देकर पूरा गणित गड़बड़ कर लिया था। स्थिति यह हो गई कि सत्ता में आते आते तेजस्वी चूक गए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की राह में सिर्फ कांग्रेस की वजह से ही पीछे रह गए। ऐसे में बिहार विधानसभा के जब उपचुनाव हुए तो उस वक्त भी कांग्रेस ने राह में रोड़े डाले। नतीजा यह हुआ कि वहां पर तेजस्वी यादव ने अपने ही मन में ठान लिया था कि विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटों पर राजद ही चुनाव लड़ेगा। हालांकि कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, नतीजा सिफर रहा कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के मन में यह दंभ था कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सिर्फ कांग्रेस को ही एक सीटें मिली और बाकी सीटें जो है वो NDA के खाते में चली गई और तेजस्वी यादव के हिस्से में कुछ नहीं आया, राजद शून्य पर सिमट गया। तो ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस को यह लगने लगा कि बिहार में उनकी चलती शुरू हो गई है, वह चाहेंगे तो सियासत में अपना पैर जमा सकते हैं। राजद पर दबाव बनाने की पॉलिटिक्स भी शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हुआ वहाँ पर स्थितियाँ बदलती दिखाई पड़ने लगी। तेजस्वी यादव रंग लाते दिखे, उनकी कोशिशें रंग लाई। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कबूल किया कि वह जेल में थे, लेकिन तेजस्वी ने अकेले NDA को फाइट दी और जिसमें तेजस्वी यादव एक हीरो बनकर उभरे। विधानसभा उपचुनाव का नतीजा भी यह बताता है कि टक्कर हमेशा कांटे की रही, तेजस्वी यादव की मेहनत रंग ला रही है। ऐसे में जब बिहार विधान परिषद का चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस की एंट्री हो। आज उन्होंने झलकियां भी दे दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कांग्रेस को मैं इन चीज़ों में शामिल करूँ। कांग्रेस के मदन मोहन झा दिल्ली तक चक्कर लगाते रहे, लालू प्रसाद यादव से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन न लालू प्रसाद यादव मिलने को तैयार हुए न तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा कि 24 उम्मीदवार जो हैं हमारे लगभग तैयार हैं। हालांकि जो एकोमोडेशन की हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव इतना कर सकते हैं कि वाम दल से किसी एक को MLC बनने का ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि 20 सीटों पर लगभग राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। तो फिर लेफ्ट को एक सीट दिया जा सकता है और बाकी जैसे ही 3 और उम्मीदवार मिलते हैं राजद अपनी पार्टी के तमाम पत्ते खोलकर सामने रख देगा, जैसा कि NDA ने आज अपना फॉर्मूला बना लिया। 13-11 का फॉर्मूला NDA में सेट हुआ, वहाँ भी
मुकेश सहनी और मांझी जैसे लोगों को नाराजगी झेलनी पड़ी और मुकेश सहनी ने बगावत शुरू कर दी है। और एक सीट जो है वो एनडीए ने जो है वो एकोमोडेट करने की बात कही है, वो लोजपा के साथ होगा, वो भी पशुपति पारस वाले लोजपा के साथ। तो शायद सूरजभान सिंह का जो है एक द्वार खुल सकता है मिलसी बनने का, जो चर्चा चल रही थी इस पर एक अलग चर्चा होगी कि क्यों लोजपा के साथ जाने की पूरी कोशिश एनडीए कर रही है और इस वक्त मुकेश सहनी या जीतन राम मांझी किनारे क्यों किए जा रहे हैं। बात अभी महागठबंधन की चल रही है, तो कांग्रेस ने जो लगातार भूल की और जो तेवर दिखाए, भले उन्होंने बिहार के लिए या केंद्र की पॉलिटिक्स के लिए कन्हैया कुमार की एंट्री कर दी थी या फिर गुजरात के लीडर को शामिल करा लिया था, ऐसे तमाम लीडरों की एंट्री के बावजूद भी बिहार में वह जमीन मजबूत होते दिखाई नहीं पड़ती है, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है। वो कोशिश कर रहे थे कि 10-12 सीटें हमें मिल जाती या कुछ ही सीटें मिल जाती तो हम यहाँ पर अपनी ज़मीन को और मजबूत करते, विधान परिषद में उनकी जो है उपलब्धि उपस्थिति दर्ज हो जाती, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ा। तेजस्वी यादव कोई घाटे का सौदा नहीं करना चाहते हैं। लालू यादव या तेजस्वी यादव को यह लगता है कि अगर विधान परिषद की 24 सीटों में से कुछ भी सीट कांग्रेस के हवाले हमने कर दिए तो वह सीधे सीधे एनडीए को गिफ्ट करने जैसा हो जाएगा, ऐसे ही एनडीए वहां पर चुनाव जीत सकती है। तो इस परिस्थिति में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। अगर देखा जाए जिस हिसाब से तेजस्वी यादव ने यह फैसला किया तो महागठबंधन तो खत्म हो गया, महागठबंधन खंडित हो चुका है। तेजस्वी यादव आरजेडी के सहारे केंद्र तक की राजनीति करना चाहते हैं और तेजस्वी ने यह भी कहा कि हम सिर्फ केंद्र में कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, बिहार में नहीं, बिहार में वह सबसे बड़ी पार्टी है तो उन्हें अपने हिसाब से चलना होगा, उनके लिए जो सही है, उनकी पार्टी के लिए जो सही है उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के और अपने भविष्य को लेकर के बिहार में सियासी पकड़ बनाने को लेकर के पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें सभी रणनीति से चलना चाहते हैं। कांग्रेस या अन्य ऐसे छोटे छोटे दलों का हाथ थामने से शायद राजद का हाथ तो मजबूत नहीं होता है, उन दलों का हाथ मजबूत हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है, जिस स्थिति में कांग्रेस की हालत देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई, जो सीटें उन्हें मिली थी 15 वाले चुनाव में वो 20 में भी नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल ने यह तय किया कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में जो 24 सीटों पर होना है, जहाँ पे धन बल बाहुबल काम करेगा, वहाँ पर कांग्रेस को टिकट ना दे करके राजद अपनी ही उपस्थिति विधान परिषद में और मजबूत करे। तो ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया, महागठबंधन खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। कोई भी दल तेजस्वी यादव की रणनीति के आगे फिट नहीं बैठते हैं। हाँ, एक वाम दल में से किसी को टिकट देने की अगर गुंजाइश है तो वो हो सकती है। तो 24 में से कम 23 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ही उम्मीदवारी पेश करने जा रहा है, जिसका नतीजा क्या होगा वो भाजपा से जब टक्कर होगी, एनडीए से जब टक्कर होगी जदयू और भाजपा से, तभी पता चल पाएगा। ऐसे कहा जा रहा है कि एनडीए जो है सबसे अमीर पार्टी है, तो यहाँ अमीरों की चलेगी तो बिहार विधान परिषद में तेजस्वी यादव को और मशक्कत एरी चोटी लगानी होगी, तभी हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से भी कुछ सीटें सामने आ जाए। फिलहाल इस विश्लेषण से यही पता चलता है कि महागठबंधन में कंप्लीट तरीके से दरार हो चुका है, कांग्रेस फिर से हाशिए पर है, दरकिनार कर दिया गया कांग्रेस को। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और खुद के भविष्य के लिए ही विधान परिषद में सारे उम्मीदवार राजद से देना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो लेफ्ट पार्टियां हैं अच्छा प्रदर्शन की हैं, तो उस हिसाब से एक सीट विधान परिषद में लेफ्ट के हिस्से जा सकती हैं।